मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय और कार्य विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के दो दिवसीय प्रवास के पहले दिन मां पीताम्बरा माई के दर्शन कर शनिदेव पर तेल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद ग्राम रेपुरा नंदपुर और सेपुरा में आयोजित चाय की चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा दीपावली पर्व के पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए 1,81,00,000 की सौगात दी। चाय की चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने भी निसंकोच होकर अपनी बात रखी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ग्राम नंदपुरा गांव में चाय की चौपाल आयोजन कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा, ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्या सुनते हुए गांव के विकास के लिए ग्रामीण महिला एवं पुरुषों से सुझाव भी लेना है। चाय की चौपाल कार्यक्रम के तहत कलेक्टर श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौर और SDM दतिया श्री ऋषि कुमार सिंघई सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। छोटे राजा नंदपुर से तरउआ की ओर ये सड़क की मांग आई है, इसके लिए 46,57,000 रुपए देने की घोषणा की मांग आई है। इसी विद्यालय के लिए 5,91,000 इसके लिए देते हैं। सीसी रोड और नाली निर्माणकार नीरज पाल के मकान से नवल दीक्षित के मकान की ओर नंदपुर में इसमें 4,90,000 इसके लिए दे रहे हैं। नाली आसाराम जी के खेत से नाली की ओर 2,90,000 इस नाली के लिए दे रहे हैं। नाली सीसी के निर्माण मेहरबान कुशवा के मकान से राम सिंह कुशवा के मकान की ओर 2,30,000 इसके लिए दे रहे हैं। सीसी नाली संजू दुबे के मकान से विजय पाठक की ओर 1,90,000 इसको, सर्वेश पाल के मकान की ओर नाली सीसी 1,53,000 इसको, और सीसी रोड नाली निर्माण बाबूलाल के मकान से नत्थू कुशवा की ओर 86,000 इसको दे रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।